नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल इट्स सुमित कुमार में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने गाड़ी अपनी इंश्योरेंस में क्लेम करी थी क्योंकि गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं एक बार फिर से गाड़ी की फ़ोटोज़ साइड में शो कर देता हूँ, कैसा मेरा एक्सीडेंट हुआ था और सारी बातें डिटेल में करेंगे इसमें कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, कितने दिन मुझे वहाँ पे लगे, मेरा टाटा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने का खर्चा आया। तो सबसे पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर दीजिए। नीचे आपको इंस्टाग्राम का आईडी मेरा शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। और यहाँ पर मैंने पहले ही स्टोरी डाल दी थी कि मेरी गाड़ी की डिलीवरी हो गई है। जी हाँ, अगर अगली बात करें कि मैंने गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कैसे किया तो बहुत ही ईजी था। तो मैं गाड़ी के शोरूम में गया और आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, मैंने जीरो डेप्थ पॉलिसी लेके रखी थी। तो उसमें गाड़ी का हर एक छोटा छोटा पार्ट भी कवर होता है, यदि डेंट हो जाता है, स्क्रेच हो जाता है। उन लोगों को मैंने बताया, उन लोगों ने गाड़ी का इंस्पेक्शन किया और उसके बाद बोला कि आपका एक ही साइड गाड़ी में कवर हो पाएगा। तो हालांकि डेंट दोनों साइड है मेरी गाड़ी में, लेकिन फिर भी चलो जो मेजर स्क्रेच और डेंट था आगे के डोर से लेकर पीछे के क्वार्टर पैनल तक, तो वो उन लोगों ने कवर कर लिया। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं लगे, हमारी मम्मी के नाम से गाड़ी है तो मम्मी का पैन कार्ड, आधार कार्ड और गाड़ी की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस मेरा लगा था। हालांकि ये एक्सीडेंट बहन को सिखाते वक्त गाड़ी साइड से लग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया। अभी सिस्टर आगे ही बैठी है और हंस रही है। और अगली चीज़, अगर मैं गाड़ी में काम की बात करूँ तो गाड़ी में काम कुछ भी नहीं था। गाड़ी में पहले डेंटिंग होनी थी और पुट्टी वगैरह करके जो लेवल मिलाते हैं वो होना था और उसके बाद पेंटिंग होनी थी। तो आपको बता दूँ, जिस जगह पे अगर डोर वगैरह पे अगर स्क्रैच है तो उन लोगों ने पूरा का पूरा डोर मुझे पेंट करके दिया और पीछे का क्वार्टर पैनल पेंट करके दिया है विथ डेंटिंग एंड पुट्टी एंड पेंटिंग। तो ये काम रहा। अभी आखिरी के वीडियो में मैं इसका लुक दूंगा कि कैसा पहले का काम था और कैसा अब लग रहा है। लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मुझे टाइम कितना लगा। देखिए, मैंने 9 सितंबर को गाड़ी दे के आया था वर्कशॉप पे और जॉब कार्ड उन्होंने मुझे दे दिया था। और उसके बाद एक बार सर्वेयर आया, उसने उसी दिन या उसके अगले दिन इंस्पेक्शन कर लिया गाड़ी का और गाड़ी में कितना काम होना था वो पास करने के बाद मुझे लगभग 10 दिन, मतलब कल की तारीख 20 सितंबर को मैं गाड़ी लेके आया हूँ, तो 9 सितंबर से 20 सितंबर यानी कि टोटल 11 दिन का मुझे समय लगा। अब देखिए कि मेरी तो गाड़ी ठीक है कि घर में रहती है, कोई खास ज़्यादा चलाते नहीं हैं हम इसको, तो उसमें इतना हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं है तो उसका चलो इतना कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों की कॉमर्शियल गाड़ी है, जिन लोगों का पेट गाड़ी से ही चलता है, वो लोग 10 दिन क्या करेंगे जबकि गाड़ी में काम कुछ भी नहीं था। चलो मानो कि अगर पार्ट्स कहीं बाहर से मंगवाना हो कि भैया ये पार्ट लगेंगे गाड़ी में और ये पार्ट आने में देर हो रही है क्योंकि इंश्योरेंस वाले हो सकता है लेट वेट पेमेंट करें, तो वो वाला कुछ इशू भी नहीं था। नॉर्मली वहीं पे वर्कशॉप में पेंट शॉप थी और पेंट कर सकते थे। मैक्सिमम 3 दिन में मेरे एक पहचान में है, उनकी गाड़ी में पीछे डेंटिंग पेंटिंग थी, मारुति की गाड़ी है, उन लोगों ने 3 दिन में गाड़ी दे दी थी। और इन लोगों को अगर चलो ठीक है माना, अगर सर्विस अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी भी नहीं है, तब भी मैक्सिमम 5 दिन में मेरे को गाड़ी मिल जाने की उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने एक हफ्ता बोल के मुझे 10 से 11 दिन लगा दिए। तो ये चीज़ थोड़ी बेकार सी रही मेरे साथ एक्सपीरियंस। मैं आपको गाड़ी का फाइनल लुक दिखाऊं तो गाड़ी में बहुत अच्छा काम किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे से लेके पीछे तक पूरा पहले किस तरीके से डेंट लग गया था और अभी एकदम क्लीन लग रहा है। और अगर कलर की क्वालिटी की बात करूं तो कलर मेरे को जो डोर्स के अंदर की साइड जो हैंडल होते हैं, ग्रैब हैंडल जिन्हें बोलते हैं, उनमें पता नहीं थोड़ा खुरदरा सा लग रहा है, बाकी ठीक है, वहाँ पर कोई इतना कलर दिखता नहीं है। और हल्का सा 19-20 का फ़र्क तो है क्योंकि जैसे कि आप कभी शर्ट का जेब
एकदम से फाड़ देते हैं तो जो पहले का कलर रहता है वो डल हो जाता है और बाद का कलर थोड़ा अलग से चमक के आता है। कुछ वैसे ही इसके साथ भी हो गया, तो हल्का सा 19-20 का फ़र्क दिख रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा है, वो पहले का कम वाइट दिख रहा था। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है, मेरा काम हो गया वही बड़ी बात है। और लास्ट में गाड़ी का लुक देने के बाद अगर मैं गाड़ी में कितना खर्चा आया और मेरा कितना लगा उसकी बात करूँ तो मैं आपको सीधे अपना बिल दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मेरा इंश्योरेंस था और मैं अपनी अगर गाड़ी के टोटल खर्चे की बात करूं तो गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। एक तो मेन काम डेंटिंग का था, पेंटिंग का था और ओपनिंग एंड फिटिंग का चार्जेस इन्होंने जोड़ा है। तो डेंटिंग का 1475 और पेंटिंग का 11994 और ओपनिंग एंड फिटिंग का 1121 रुपये। टोटल खर्चा 12,365 और 2,225 रुपये का टैक्स लगने के बाद 14,590 का मेरा बिल बना है। उसमें से मुझे जो अमाउंट पे करना था वो 1500 रुपये था। 1000 रुपये इन लोगों का नॉर्मल फाइल चार्जेस होता है और 500 रुपये ओपनिंग फिटिंग में पता नहीं क्या मुझे बताया, छोटे मोटे जो पार्ट्स लगते हैं या निकल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं तो उसका रहता है। खैर ठीक है, वो अपन ने पे कर दिया, 1500 रुपये का वो अमाउंट था। और ऐसा कुछ खर्चा आया था, कोई खास ज़्यादा खर्चा आया नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा टाटा और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस। ठीक ठाक रहा, मैं एकदम बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज थी ऐसा तो कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली समय कुछ ज़्यादा ही ले लिया इन लोगों ने। अब वो अलग अलग उसके रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है किसी और वर्कशॉप में या किसी कंपनी में ऐसा कुछ ना हो। बाकी मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता दी मेरे इस इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और DM ना भी करना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और हाँ, इंश्योरेंस करवा के ज़रूर रखें अपनी गाड़ियों का, छोटे मोटे सिरदर्द से बचने के लिए। बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।